हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस में। आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे मैकाबे थ्योरम मेथड्स के बारे में कि मैकाबे थ्योरम मेथड्स क्या होता है एंड इसका यूज कहां किया जाता है एंड इसका डेरिवेशन वगैरह क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैकाबे थ्योरम मेथड्स होता क्या है। तो देखिएगा, ये जो मैकाबे थ्योरम मेथड्स होता है ये एक ग्राफिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? एक ग्राफिकल प्रोसीजर होता है जिसके हेल्प से हम डिस्टिलेशन कॉलम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से क्या करते हैं? डिस्टिलेशन कॉलम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए पढ़े हैं, इससे पहले मैं आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो देखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता था? एक कॉलम होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, एक कॉलम होता है, इधर क्या होता है? कंडेंसर होता है ऊपर साइड, यहाँ से रिफ्लक्स, यहाँ से डिस्टिलेट आप ले रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या एक रिबॉयलर होता है। ठीक है, रिबॉयलर, यहाँ से आपका बॉटम प्रोडक्ट निकल रहा है, यहाँ से फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस कॉलम में बहुत सारी प्लेटें यूज की जाती है। बहुत सारी क्या यूज की जाती हैं? बहुत सारी प्लेट्स यूज की जाती हैं इस कॉलम में। ठीक है, इस कॉलम में बहुत सारी प्लेट्स यूज की जाती हैं। ठीक, इस कॉलम में बहुत सारी प्लेट्स यूज की जाती हैं। तो देखिएगा, अब ये जो मैकाबे थ्योरम मेथड्स है ये बताता है कि आपको किसी डिस्टिलेशन कॉलम में डिजायर्ड सेपरेशन अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लेट आप यूज करेंगे। ठीक है, मतलब इस कॉलम को कितने नंबर ऑफ प्लेट की रिक्वायरमेंट है जिससे ये कॉलम क्या है कि डिजायर्ड सेपरेशन दे सके। ठीक है, तो हम ये इस मैकाबे थ्योरम मेथड्स से पता लगा सकते हैं कि किसी डिस्टिलेशन कॉलम में डिजायर्ड सेपरेशन के लिए कितने नंबर ऑफ प्लेट्स की आवश्यकता है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्लेट की आवश्यकता है, कितने नंबर ऑफ प्लेट यूज होंगे इसमें। ठीक है, तो वो चीज हमें मैकाबे थ्योरम मेथड्स बताता है। ठीक है, तो इस मेथड से हम कैसे पता लगाते हैं कि इस कॉलम में कितने नंबर ऑफ प्लेट की आवश्यकता है, वो चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब इसमें क्या है कि इसमें मैकाबे थ्योरम मेथड से कुछ अजप्शंस हैं जिनको हमें मान के चलना रहता है। ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ रहता है। तो देखिएगा, इसके अजप्शंस क्या है इसके? अब इसके अजप्शंस देखिए, तीन मेन तीन अजप्शंस हैं इसके। पहला अजप्शंस देखिएगा, पहला अजप्शंस क्या कहता है कि कॉन्स्टेंट मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। देखिएगा, कॉन्स्टेंट मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये मेथड क्या कहता है कि मोलल हीट ऑफ वेपोराइजेशन कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या कहने का वो समझिए। तो देखिएगा, इसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है, इस कॉलम में एवरी प्लेट्स पे क्या हो रही है? वेपर एंड लिक्विड दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट पे ऊपर से लिक्विड आ रहा है, नीचे से वेपर जा रही है। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी लिक्विड के मोल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जितने भी लिक्विड वेपराइज होंगे उतने ही वेपर्स कंडेंस भी होंगे। ठीक है, ये चीज हमें मान के चलना है। ठीक है, ये हमें अजप्शंस मान के चलना है कि यहाँ पे इस एवरी प्लेट्स पे जितने भी लिक्विड वेपराइज होंगे उतने ही वेपर्स कंडेंस होंगे। ठीक है, तो पहला अजप्शन इसका ये रहा। एंड सेकेंड अजप्शन क्या कहता है? सेकेंड अजप्शन ये कहता है कि नो हीट लॉस। ठीक है, नो हीट लॉस। ठीक है, नो हीट लॉस मतलब क्या है कि इस कॉलम में कहीं से भी हीट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे हम हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम इस कॉलम को क्या करते हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इस कॉलम के बाहर साइड में इंसुलेट कर देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि किसी भी इक्विपमेंट को, चाहे कॉलम हुआ, चाहे कोई एचई हुआ, कुछ भी हुआ या कंडेंसर हुआ, उसमें कितना भी आप इंसुलेशन प्रोवाइड कर दें, आप 100% हीट लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकते, मतलब कम नहीं कर सकते। मतलब चाहे कितना भी इंसुलेशन कर दें, कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये मैकाबे थ्योरम मेथड्स क्या कहता है कि हमें मान के चलना है कि कुछ भी हीट लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब हीट लॉस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल जीरो है, ये हमें मान के चलना है। ठीक है, एंड थर्ड अजप्शन क्या कहता है? नो हीट ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है? नो हीट ऑफ मिक्सिंग। थर्ड अजप्शन क्या कहता है कि नो हीट ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, इस कॉलम में जितने भी प्लेट्स हैं, सभी प्लेट्स पे क्या हो रही है? वेपर एंड लिक्विड दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, और इस प्लेट पे जब वेपर एंड लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आ रही है, यानी कि मिक्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
प्लेट पे भी इन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद जब लिक्विड वेपर हो रहे हैं या वेपर कंडेंस हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, वहाँ पे भी कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही, मतलब इस कॉलम के किसी भी प्लेट पे कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही है। इसके कहने का मतलब ये है थर्ड एजप्शन का, ठीक है। तो ये इसके तीन एजप्शन रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, आप ये जानते हैं सिंपल चीज कि ये मैकाबे थिले मेथड्स का पर्पज क्या है, कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स फाइंड आउट करना, और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कहाँ पे होंगे, कहाँ से फाइंड आउट करना, इस कॉलम में ही फाइंड आउट करना है। तो इस कॉलम के दो सेक्शंस होते हैं, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। एक कौन सा होता है, फीट प्लेट से ऊपर का जो सेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग सेक्शन, एंड फीट प्लेट से नीचे का सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। तो अब जो प्लेट्स भी होंगे इन्हीं दोनों सेक्शन में होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन की पहले ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप स्टेप वाइज स्टेप समझते जाइए, आपको टोटल चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं अभी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखिएगा, हम लिखेंगे ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। देखिएगा, इससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाए थे जिसमें ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन के बारे में बताए थे, कि ये इक्वेशन कहां से आता है, कैसे उसका डेरिवेशन है, इन सारी चीजों के बारे में बताए थे, मटेरियल बैलेंस के बारे में बताए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखें, हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, मतलब रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन क्या होती है, तो देखिएगा इसका इक्वेशन होता है y is equal to L upon L plus D into X plus D into XD upon L plus D, ठीक है, ये इसका इक्वेशन होता है, ठीक है, ये इसका इक्वेशन होता है। इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं, L upon D, आपको सही, L plus D, ठीक है, ये L plus D, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन कौन सा है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम रिफ्लक्स रेशियो के फॉर्म में लिखे, आर के फॉर्म में लिखे, तो देखिएगा, आप जानते होंगे रिफ्लक्स रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन डी होता है, ठीक है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन डी होता है, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है, इतना जानते ही हैं। तो देखिए, जब आर इज इक्वल टू एल अपॉन डी होता है, तो इसको हम यहाँ पे एल इज इक्वल टू, इसका इधर हम गुणा कर दें तो R इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर R इज इक्वल टू एल अपन डी है तो L इज इक्वल टू आर इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब देखिएगा, L इज इक्वल टू आर इंटू डी जो हमें फाइंड आउट हुआ, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू आर इंटू डी इन इक्वेशन वन, ठीक है। अब जब इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, तो देखिए y इज इक्वल टू एल अपान, देखिए अब l के जगह पे क्या पुट कर देंगे, r इंटू डी पुट कर देंगे, तो r इंटू डी हो जाएगा अपान यहाँ पे जो l प्लस डी है, तो l की जगह पे क्या हो जाएगा, r इंटू डी प्लस डी इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स डी है, तो ऐसे ही रहेगा अपान नीचे l की जगह पे क्या हो जाएगा, R इंटू डी प्लस डी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, दोनों में क्या करेंगे, D कॉमन ले लेंगे, ठीक है, D कॉमन ले लेंगे, तो Y इज इक्वल टू, देखिएगा R इंटू डी आप ऐसे ही लिख दीजिए, नीचे आप जब D कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, R प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, R प्लस वन हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस ऊपर D इंटू एक्स डी ऐसे ही लिख दीजिए, और नीचे से भी D कॉमन ले लीजिए, जब D कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R प्लस वन मिलेगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मिला तो यहाँ से देखिएगा D से D क्या होगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, D से D क्या होगा, कट जाएगा दोनों में, ठीक है। तो हमें देखिए एक इक्वेशन मिलेगा, देखिए इक्वेशन क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिला, वाई इज इक्वल टू आर अपान आर प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स डी अपान आर प्लस वन, ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, देखिएगा ये इक्वेशन जो मिला हमें, ये इक्वेशन जो मिला है, ये इक्वेशन भी क्या है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए ही है, लेकिन ये रिफ्लक्स के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, रिफ्लक्स के फॉर्म में है, ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन इन रिफ्लक्स के, इन टर्म ऑफ रिफ्लक्स, ठीक है, मतलब रिफ्लक्स के टर्म में ये ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अब मैथमेटिक्स में जनरल एक फार्मूला पड़े होंगे स्लोप निकालने का, तो स्लोप निकालने का उसमें एक जनरल फार्मूला क्या होता है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे ठीक है। और इसमें क्या होता था, x का कोफिशियंट जो m होता था ये स्लोप होता है एंड c क्या होता है इंटरसेप्ट होता है ठीक है। तो अब देखिएगा इस फार्मूले को अगर हम इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करें, इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिलेगा, m की जगह पे क्या हमें आपको मिल जाएगा, r अपन r प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी यहां से हमें जो स्लोप मिलेगा, स्लोप जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, r अपन r प्लस 1 हमें स्लोप मिल जाएगा। एंड यहां पे इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, xd अपान r प्लस 1 हमें यहां पे एक इंटरसेप्ट मिल जाएगा ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्ट एंड स्लोप मिला है किसका मिला, तो रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन के लिए हमें इंटरसेप्ट मिला है। ये जब हम अभी ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, क्या कार्य है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप याद रखिए कि इंटरसेप्ट का क्या मान है। अब देखिए ये यहाँ पे जो फार्मूला मिला है ना इंटरसेप्ट का एक्स डी अपन आर प्लस वन, यहाँ से आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ठीक है इस फार्मूले से ठीक है। अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे देखेंगे, अब आगे देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा अब जानते हैं कि ये जो मेथड है ये मैकाबे थिले मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल प्रोसीजर है, ये ग्राफिकल प्रोसीजर है। तो ग्राफिकल प्रोसीजर है तो हमें एक ग्राफ तो ड्रा करना ही पड़ेगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स वर्सेस वाई, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ठीक है। ये एक्स हो गया आपका, ये एक्स हो गया एंड ये वाई एक्सिस हो गया ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें एक चीज आपको बताते हैं, जो एक्स एंड वाई है ये क्या डिनोट करता है, एक्स जो होता है ये डिनोट करता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज एंड वाई क्या डिनोट करता है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज ठीक है। अब देखिएगा अब ये जो हम ड्रा किए हैं, ये जो ग्राफ ड्रा किए हैं इसमें देखिएगा इसमें क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पे ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स पे डायगोनल ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पे ठीक है। ये जो डायगोनल होगा y इज इक्वल टू एक्स पे होगा ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू एक्स पे हम एक डायगोनल ड्रा कर रहे हैं तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स है उसको हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे ठीक है, उसको क्या करेंगे इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो देखिएगा इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में कर देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह कम मिल रही है हमको ठीक है। तो अब देखिएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू of y is equal to x in equation 2 ठीक है, आप ऐसे लिखते जाइएगा ठीक है। अब y is equal to x जब equation 2 में पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, जब y is equal to x पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा एंड ऐसे जो r है तो ऐसे ही रहेगा r अपन r प्लस 1 इन टू एक्स प्लस एक्स डी अपन आर प्लस 1 ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा दोनों में से 1 अपन r प्लस 1 कॉमन ले लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे x ऐसे रहने दें, यहाँ से 1 अपन r प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, r इंटू एक्स मिलेगा, यहाँ पे r इंटू एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा xd बचेगा ठीक है। अब इस r प्लस 1 का पक्षांतर अगर इस साइड करें तो ये r प्लस 1 इधर जाके गुणा हो जाएगा, जब ये गुणा होगा तो आप सिंपल मैथमेटिक्स से तो जानते ही होंगे मैथ में क्या होगा, इधर जब ये इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो x में इसका गुणा हो जाएगा, तो जब x में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी r इंटू एक्स हो जाएगा प्लस जब 1 का x में गुणा होगा तो इंटू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, एक स्टेप हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा स्टेप को कम करते जा रहे हैं ठीक है। डायरेक्ट हम इसमें गुणा ही कर दिए, जब गुणा कर दिए तो हमें क्या मिल गया, r इंटू एक्स प्लस एक्स मिल गया और इस साइड क्या है आपका r इंटू एक्स प्लस एक्स डी है ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ से क्या होगा, दोनों साइड देखिएगा r इंटू एक्स r इंटू एक्स ये दोनों क्या होंगे क्रॉस आउट हो जाएंगे एक दूसरे से ठीक है। अब यहाँ पे हमें बचेगा क्या, x इज इक्वल टू एक्स डी मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया x इज इक्वल टू एक्स डी। अब देखिएगा जब x इज इक्वल टू एक्स डी मिल गया और हम यहाँ पे माने हैं कि y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है तो चूंकि y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ x इज इक्वल टू y हो सकता है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू भी एक्स डी हो जाएगा, y इज इक्वल टू भी एक्स डी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या मिला है, अब y इज इक्वल टू एक्स डी एंड x इज इक्वल टू एक्स डी ये क्या मिला है, तो ये एक्स डी एंड एक्स डी जो मिला है हमें ये जब हम रेक्टिफाइंग सेक्शन को ड्रा करेंगे ऑपरेटिंग लाइन जब ड्रा करेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए तो हम ये x एक्सिस एंड y एक्सिस पे xd मतलब x एक्सिस पे भी xd की जो वैल्यू होगी, x एक्सिस पे जो xd की वैल्यू होगी एंड y एक्सिस पे xd की जो वैल्यू होगी, दोनों डायगोनल पे जहां काटेंगी वहां से हम ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए ठीक है।
तो ये हमें डिस्टिलेट का हमें कंपोजिशन होता है एच डी, ठीक है। तो एच डी कॉमा एच डी पॉइंट से हम रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। अभी ये चीज अभी आपको आगे थोड़ा समझ में आएगा, यहाँ थोड़ा बहुत शायद आपको न समझ में आ रहा हो, तो अभी आगे जब हम ड्रा करेंगे तो वहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये किसका मिल गया, रेक्टिफाइंग सेक्शन का मिल गया। अब इसी प्रकार हम स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सिमिलरली ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। जब स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए, ये भी हम पहले बता ही चुके हैं, तो डायरेक्ट हम वो इक्वेशन ही लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है, y is equal to L अपान L माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू अपान L माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन होता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है, ये ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए है, ठीक है। स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ये ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स को पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में भी y इज इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जब इक्वेशन थर्ड में y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, देखिएगा अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू भी एक्स डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू भी हमें एक्स डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू भी हमें एक्स डब्ल्यू मिल जाएगा। तो अब देखिए, ये y इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू एंड x इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू क्या मिला, तो ये देखिए, ये जब हम ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन की, तो उसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, एक्स एक्सिस पे भी एक्स डब्ल्यू के जहां मान आएगा, जो भी मतलब इसकी वैल्यू दी रहेगी उस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए जो भी वैल्यू दी होगी एक्स डब्ल्यू की, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे भी एक्स डब्ल्यू का जो वैल्यू दिया रहेगा, दोनों डायगोनल पे जहां काटेंगे वहां से हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को अब बताएंगे आपको कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, इसको मिटाएंगे। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको मिटा के इस ग्राफ को बड़ा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप ग्राफ ड्रा कर दिए, थोड़ा बड़ा कर दिए ग्राफ को, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इस ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को दोनों को क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 पार्ट्स में देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ऐसे वाई एक्सिस को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको भी 10 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी काउंटिंग कर देंगे, काउंटिंग कहां से करेंगे, जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0.1, ऐसे 0.2, तो इसको 0.2 लिख रहे हैं, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0। ऐसे y एक्सिस की भी काउंटिंग करेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, ठीक है। ऐसे काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब इस काउंटिंग के बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करना रहता है, हमें इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा करना है, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा करने का, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा करने के लिए आपको एक्स वाई डेटा गिवेन होगा, आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको एक्स वाई डेटा गिवेन होगा, या तो नहीं गिवेन होगा तो आपको रिलेटिव वोलेटिलिटी गिवेन होगी, उसका फॉर्मूला लगा के आपको एक्स वाई डेटा गिवेन करना होगा, मतलब फाइंड आउट करना होगा। तो देखिएगा, पहली कंडीशन आपको क्या होगी कि एक्स वाई डेटा गिवन होगी, कैसे होगी, एक्स का मान कुछ होगा, ऐसे देखिए, ऐसे एक आपको मिलेगा, ऐसे वो मिलेगा एक्स एंड वाई का, ठीक है। ऐसे ब्लॉक मिलेगा आपको, इस ब्लॉक में क्या होगा, एक्स एंड वाई का डेटा आपको गिवन होगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, 1.0, ठीक है। ऐसे आपको मान लीजिए x का डेटा गिवन होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y का भी डेटा गिवन होगा, जैसे मान लीजिए 0 यहाँ पे पॉइंट 15 मान लेते हैं, यहाँ पे 0.3 मान लेते हैं, यहाँ पे 0.35, यहाँ पे 0.441 मान लेते हैं, यहाँ 0.6 मान लेते हैं, 0.7, 0.71 मानते हैं, 0.8 मान लेते हैं, 0.81 मान लेते हैं,
0.92 मान लेते हैं, 1.0, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कुछ भी डेटा आपको गिवन होगा, ठीक है, ये डेटा आपको गिवन होगा, या तो अगर ये डेटा गिवन नहीं होगा तो आपको अल्फा की वैल्यू दी होगी, यानी कि रिलेटिव वोलेटिलिटी की। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हम अल्फा की वैल्यू 2 दिया हो, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 2 दिया हो, ठीक है। तो जब ये आपको अल्फा की वैल्यू दी हो तो उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे रिलेटिव वोलेटिलिटी का। देखिए फार्मूला क्या होता है, इसके पे भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, वो भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स अपान 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, जहां से आप एक्स एंड वाई की डेटा आपको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से क्या करते हैं आप एक्स एंड वाई की डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो देखिएगा, आपको क्या करना है इस फार्मूले में, एक्स का मान क्या करना है, एक अल्फा का मान तो 2 है, वो हमेशा 2 ही पुट करेंगे, एंड एक्स का मान क्या करेंगे 0 से लेके 1.0 तक, जैसे 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे डॉट डॉट 1.0 तक आप इसमें इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे तो आपको वाई का भी वैल्यू यहां पे मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए एक्स की वैल्यू इस फार्मूले में आप 0 पुट कर दिए और वाई की वैल्यू तो आप 2 ही सॉरी अल्फा की वैल्यू तो आप 2 ही पुट करेंगे, तो जब एक्स का मान यहां पे 0 पुट करेंगे, एक्स का मान यहां पे 0 पुट करेंगे तो वाई का मान भी आपको 0 मिलेगा। ऐसे मान लीजिए एक्स का मान आप 0.1 पुट किए तो वाई की भी मान आपको कुछ यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 1.0 तक पुट करते जाएंगे तो आपको वाई का भी मान मिलता जाएगा। तो ऐसे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, एक डेटा मिल जाएगा, एक्स वाई डेटा मिल जाएगा यहां से आपको, ठीक है। तो आपको 2 कंडीशन दी होगी, या तो आपका एक्स वाई डेटा गिवन हो या तो आप एक्स वाई डेटा यहां से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सपोज दैट आपको एक्स वाई डेटा गिवन है या फाइंड आउट करके आप फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि आपको इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा करना है। अब इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए एक्स वाई डेटा का इसमें हेल्प लेते हैं। देखिए अब x एक्सिस पे ये वैल्यू चलेंगे और y एक्सिस पे ये जो वैल्यू है इसका ये चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए x एक्सिस पे 0 तो यहाँ पे 0 रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब y इसके बाद देखिए x एक्सिस पे 0.1 तो x एक्सिस पे आप 0.1 चलेंगे एंड उसके बाद y एक्सिस पे 0.15 है, तो 0.15 यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे 0.2, एक्स एक्सिस पे क्या है 0.2 एंड y एक्सिस पे कितना है 0.3, तो y एक्सिस पे क्या आ रहा है 0.3 आ रहा है, ये 0.2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए x एक्सिस पे 0.3 है, x एक्सिस पे 0.3 है एंड y एक्सिस पे क्या है 0.35 है, y एक्सिस पे 0.35 है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए जब ऐसे आप 10 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे डेटा मिले, ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे इसमें क्या मिलेंगे पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें ऐसे ही आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जब 10 पॉइंट्स जितने भी वैल्यू है इसमें पुट करते जाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स को क्या करना है आपको फ्री हैंड मिला देना है, ठीक है। इसके बाद आपको फ्री हैंड ऐसे इनको मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो मिलाएं आप, तो इसको ये क्या मिल गया आपको, इक्विलिब्रियम कर्व ड्रा हुआ, ठीक है। ये क्या आपको मिला, इक्विलिब्रियम कर्व मिला, ठीक है। अब यहां से तो आपको इक्विलिब्रियम कर्व मिल गया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या होगा कि न्यूमेरिकल में आपको फीड की कंपोजिशन दी हुई होगी, ठीक है। फीड की कंपोजिशन यानी कि एक्सएफ की कुछ वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक्सएफ की वैल्यू गिवन है आपको 0.6, अब मान के चलते हैं कि एक्सएफ की वैल्यू 0.6 गिवन है, तो मान लीजिए 0.6 गिवन है, तो 0.6 कहां पे है, यहां पे है। अब इसके ऐसे डॉटेड डॉटेड करके जाएंगे आप डायगोनल पे, तो यहाँ पे आपका मिल गया, या आप सीधा जाएंगे तो ऐसे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपका। तो ये आप स्केल से जब करेंगे तो अच्छे से जाएगा ये, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका मिल गया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि फीड की कुछ कंडीशन दी हुई होगी, ठीक है, फीड की कंडीशन दी हुई, जैसे मान लीजिए फीड की 5 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देखिएगा। फीड की पहली कंडीशन क्या होती है, फीड कोल्ड फीड हो, ठीक है, पहला कोल्ड फीड, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड, उसके बाद पार्शियल वेपराइज, एंड फोर्थ क्या है, सेचुरेटेड वेपर, एंड फिफ्थ क्या है, सुपर हीटेड वेपर। और इन सारी कंडीशंस के लिए क्यू की अलग अलग वैल्यू होती है। अब इसमें क्यू क्या होता है देखिएगा, जैसे मान क्यू जो होता है इसमें फीड की थर्मल कंडीशन का मेजरमेंट होता है, ठीक है, मतलब कितने फीड का थर्मल कंडीशन क्या है, उसको कितनी हीट देंगे तो वेपराइज होना स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए एक कोल्ड फीड के लिए Q की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, ऐसे सेचुरेटेड लिक्विड के लिए Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, एंड पार्शियली वेपराइज के लिए Q की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड सेचुरेटेड वेपर के लिए Q इज इक्वल टू 0 होता है, एंड सुपर हीटेड वेपर के लिए क्या होता है, Q इज लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, फीड की कंडीशन, इसको बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत बार इसको इंटरव्यू वगैरह में भी इसको पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको फीड की कंडीशन दी होगी, तो मान लीजिए यहां पे कुछ भी फीड की कंडीशन दी हो, जैसे मान लीजिए कोल्ड फीड दिया हो, तो कोल्ड फीड के लिए यहां पे देखिए कैसे ग्राफ बन, यहां पे कैसे आपका फीड लाइन कैसे ड्रा होती है यहां से,
फीड लाइन यहां से कुछ इस तरह ड्रा होगी, या तो आपको सैचुरेटेड लिक्विड मान के चलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड दिया तो सैचुरेटेड लिक्विड कैसे बिल्कुल वर्टिकल ड्रा होगी, ठीक है। इसकी इसकी फीड लाइन कैसे ड्रा होगी, बिल्कुल वर्टिकल, तो आप बिल्कुल वर्टिकल यहां से ड्रा करेंगे, और जब तक आप डायगोनल एंड इक्विलिब्रियम कर्व के बीच में रहेंगे तो आपको पूरी लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम कर्व से आप बाहर निकलेंगे तो उस लाइन को आप डॉटेड दिखाएंगे, उस लाइन को क्या दिखाएंगे, आप डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है, उस लाइन को आप डॉटेड दिखाएंगे। इतना क्लियर है? अब आप यहां से आपको फीड लाइन ड्रा हो गई, अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, अब इसके बाद आपको रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो जब रेक्टिफाइंग सेक्शन की आपको ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करनी है, तो आपको एक इक्वेशन बताए थे ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन रेक्टिफाइंग सेक्शन की, क्या वाई इज इक्वल टू, क्या बताए थे देखिएगा, आपको बताए थे y इज इक्वल टू आर अपान आर प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स डी अपान आर प्लस वन, ठीक है, ये आपको इक्वेशन बताए थे। और यहां से आपको क्या मिला था, x इज इक्वल टू एक्स डी मिला था एंड y इज इक्वल टू भी एक्स डी मिला था, y इज इक्वल टू भी एक्स डी एंड x इज इक्वल टू भी एक्स डी, ठीक है। तो अब मान अब x एक्सिस पे भी एक्स डी एंड y एक्सिस पे भी एक्स डी, तो आपको न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ एक्स डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, मतलब डिस्टिलेट की कंपोजिशन आपको दी हुई होगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स डी का मान आपको दिया हो, एक्स डी का मान आप दिया हो 0.9 आपको दिया हो, ठीक है, तो 0.9 दिया हो, तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस पे भी 0.9 चलेंगे एंड y एक्सिस पे भी 0.9 चलेंगे, और ये दोनों जहां डायगोनल पे काटेंगे, जैसे देखिए 0.9 यहां पे आया और x एक्सिस का भी 0.9 यहां पे आएगा, ये अभी डायगोनल को यहां पे काट रहे हैं, यहां पे आप क्या करेंगे एक पॉइंट लगा देंगे, और ये पॉइंट कौन सा होगा, xd, xd होगा, ये डिस्टिलेट की कंपोजिशन है, ठीक है। अब ये तो हो रहा है एक्सडी कॉमा एक्सडी, यहां से आप ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब वो कहां कैसे ड्रॉ करेंगे, किस पे ड्रॉ करेंगे, दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको इंटरसेप्ट निकालना होगा। तो आपको देखिए ये जो इक्वेशन बताए थे, इसको जब कंपेरिजन कराए थे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको इंटरसेप्ट क्या मिला था, एक्स डी अपन आर प्लस वन, और स्लोप तो आपको मिला था आर अपन आर प्लस वन मिला था, ठीक है। तो जब इंटरसेप्ट आपको एक्स डी अपन आर प्लस वन मिल गया इंटरसेप्ट, तो आपको देखिए एक्स डी का मान तो आपको गिवेन है और रिफ्लक्स रेशियो का मान आपको गिवेन होगा, तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इस फार्मूले में आप वैल्यू रखें एक्स डी और आर रिफ्लक्स रेशियो का, तो इंटरसेप्ट आपका सपोज दैट मान के चलते हैं कि 0.3 निकल गया, 0.3 आपका इंटरसेप्ट आ गया, तो जब 0.3 इंटरसेप्ट आया तो 0.3 पे क्या करेंगे आप एक डॉट लगाएंगे। अब इस डॉट पे क्या करेंगे, डॉट लगाने के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट प्रोसीजर, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से यहां और इस पॉइंट और एक्स डी कॉमा एक्स डी पॉइंट एंड 0.3 इंटरसेप्ट जो आपका निकला है, जो इंटरसेप्ट निकला है इस पे एक स्केल लगाएंगे और सीधा बिल्कुल ड्रा कर देंगे, ठीक है। इस पे एक स्केल लगाएंगे और सीधा बिल्कुल ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो ड्रा किए आपको ये कौन सी लाइन मिली, ये आपको जो लाइन मिली है ये ऑपरेटिंग लाइन मिली है रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, ठीक है, रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन, इसको लिख देते हैं हम लाइन वन, लिख देते हैं इसको लाइन वन लिख देते हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन मिली, ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए मिली, ठीक है। अब देखिए अब क्या ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन को भी आपको ड्रा करना होगा, ठीक है। तो अब स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए भी आपको देखिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए भी आपको एक वैल्यू मिली थी x इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मिली थी एंड y इज इक्वल टू भी एक्स डब्ल्यू मिला था, ठीक है, ये इतना तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये मिला था वैल्यू, अब देखिए x, अब इसमें बॉटम मतलब कि बॉटम प्रोडक्ट की भी कुछ कंपोजिशन दी हुई होगी, तो इसमें मान लीजिए एक्स डब्ल्यू का जो वैल्यू दिया हो 0.2 दे दिया हो, ठीक है, 0.2 दिया हो, तो x एक्सिस पे भी आप 0.2 चलेंगे एंड y एक्सिस पे भी आप 0.2 चलेंगे, और ये दोनों डायगोनल पे जहां काटेंगे, तो देखिए 0.2 यहां पे आ रहा है, 0.2 यहां आ रहा है, दोनों डायगोनल पे यहां काट रहे हैं। अब जहां डायगोनल पे काटे हैं, और यहां पे देखिएगा ये जो फीड लाइन आप ले गए थे, तो फीड लाइन को जहां पे ये रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन जहां पे काटी वहां पे एक आप डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब ये डॉट और इस डॉट पे ये जो डॉट आपको मिला, ये कौन सा मिला, ये पॉइंट कौन सा मिला, xd कॉमा xw मिला आपको, ठीक है, बॉटम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो अब रेक्टिफाइंग स्ट्रिपिंग सेक्शन की जब ऑपरेटिंग लाइन ड्रा करेंगे, तो उसको कहां से करेंगे, xw कॉमा xw से स्टार्ट करेंगे, और ये जो फीड लाइन और रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन दोनों आपस में जहां काट रही हैं वहां पे स्केल लगाएंगे और सीधा आप यहां से ड्रा कर देंगे, ठीक है, यहां से आप सीधा बिल्कुल ड्रा कर देंगे, ठीक है। इसको हम ब्लैक से ड्रा करते हैं, तो देखिए सीधे बिल्कुल ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब यहां से आप ड्रा कर दिए, ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया,
स्ट्रिपिंग सेक्शन और रेक्टिफाइंग सेक्शन दोनों की ऑपरेटिंग लाइन मिल गई, यहां से फीड लाइन मिल गई, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब इसके लिए आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको ट्रायंगल बनाने रहते हैं। ट्रायंगल कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, अब XD, XD जो मिला था आपको, वहां से आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, वहां से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे इस ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन एंड इक्विलिब्रियम कर्व के बीच में। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे इस इक्विलिब्रियम कर्व एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन के बीच में, ठीक है। और ये ऐसे जब तक चलते रहेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन तब तक खींचते रहेंगे जब तक कि ये ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन दोनों आपस में काट ना दें। जहां से ये रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन और स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन दोनों आपस में कट करेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये जो रेड कलर से हम दिखाए कौन सी लाइन थी, ये है आपकी रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन, ठीक है। और ये ब्लैक कलर वाली कौन सी लाइन है, ये स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन है। तो ये मान लीजिए इस पॉइंट पे दोनों काट रहे हैं, तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट तक तो हम इसको लाइन वन पे चलेंगे, यानी कि रेक्टिफाइंग सेक्शन वाली लाइन पे चलेंगे। जब ये काट दिया उसके बाद इस रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद हम स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन पे चलने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वर्टिकल खींचेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, फिर वर्टिकल खींचेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे तो ये दोनों कट किए थे, तो अब इस रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन को छोड़ देंगे, अब किसके किसके बीच में ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, ये अब ये इक्विलिब्रियम कर्व एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन के बीच में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जहां से काट दिया उसके बाद आप स्ट्रिपिंग लाइन को लेंगे, अब स्ट्रिपिंग लाइन एंड इक्विलिब्रियम कर्व के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन। ये जब तक खींचते रहेंगे जब तक XW, XW ना आ जाए, ठीक है। अब ये खींच लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस जितने भी ट्रायंगल हैं इसको आप काउंट कर देंगे, जितने भी ट्रायंगल हैं इनको आप काउंट कर देंगे। कैसे काउंट करेंगे, देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, आपको छह ट्रायंगल मिल गए, ठीक है। ये छह ट्रायंगल मिल गए, अब ये जो छह ट्रायंगल मिले हैं क्या मिले हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो छह ट्रायंगल मिले हैं, ये एन का वैल्यू मिला, और एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इंक्लूडेड इन रीबॉयलर, यहाँ पे जो एन मिला है, n = 6 जो मिला है, ये क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इंक्लूडेड इन रीबॉयलर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन डिस्टिलेशन कॉलम। जैसे अब थोड़ा सा आप आएंगे डिस्टिलेशन कॉलम पे, ठीक है, अब आप आएंगे डिस्टिलेशन कॉलम पे, ठीक है, अब आप थोड़ा सा डिस्टिलेशन कॉलम पे आइए, यहाँ पे आप होल्ड रखिए इसको, ठीक है। और इसमें बहुत सारी हम प्लेट्स बना देते हैं, प्लेट्स बना दिए, ठीक है। यहाँ से आपका कंडेंसर है, ये रिफ्लक्स आ रहा है, डिस्टिलेट ले रहा है, यहाँ से आप रिवॉल्वर है, यहाँ से वेपर जा रही है, यहाँ से बॉटम प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से आप फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो हमें एन की वैल्यू मिली है, एन की जो वैल्यू मिली है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स मिली है इंक्लूडेड इन रीबॉयलर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, इस कॉलम में ही केवल जितने प्लेट्स हैं, यानी कि हमें आइडियल प्लेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस कॉलम की, इस डिस्टिलेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होती है, देखिएगा पहला कंडीशन ये होता है, देखिए इसमें जो कंडेंसर एंड रिबॉयलर हैं, अभी देखिए इसको थोड़ा छोड़ते हैं, आपको एक चीज़ बता दें, ये जो कंडेंसर और रिबॉयलर होता है दोनों दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कंडेंसर भी दो टाइप्स का होता है, रिबॉयलर भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है। कंडेंसर क्या होता है, एक पार्शियल कंडेंसर होता है, एक टोटल कंडेंसर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, पार्शियल कंडेंसर, एक टोटल कंडेंसर। पार्शियल कंडेंसर क्या होता है कि पार्शियल कंडेंसर में जो प्रोडक्ट आपका मिलता है वो लिक्विड एंड वेपर दोनों फॉर्म में मिलता है। जब हमको प्रोडक्ट लिक्विड एंड वेपर फॉर्म में चाहिए होता है तो वहां पे हम पार्शियल कंडेंसर यूज करते हैं, और जहां पे हमें प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में लेना रहता है, लिक्विड फॉर्म में हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, वहां पे हम टोटल कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहां रिबॉयलर भी दो टाइप्स का होता है, एक पार्शियल रिबॉयलर होता है, एक टोटल रिबॉयलर होता है, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट इस कॉलम में टोटल रिबॉयलर यूज किया गया हो और टोटल कंडेंसर यूज किया गया हो, क्या किया गया हो, टोटल रिबॉयलर एंड टोटल कंडेंसर यूज किया गया हो, ठीक है। तो ये जो टोटल रिबॉयलर होगा ये क्या करेगा, जितनी भी लिक्विड्स होंगी सबको वेपराइज कर देगा, और यहाँ पे जितनी भी वेपर्स आएंगी सबको कंडेंसर क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस कॉलम में से कोई भी एक भी एन में से कुछ भी वैल्यू आप घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेज की तरह काम नहीं करेगा। अभी जब दूसरा कंडीशन आपको बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो, मतलब टोटल कंडेंसर, टोटल रिबॉयलर एंड टोटल कंडेंसर यूज हो रहा है, तो यानी कि जितनी भी वैल्यू आई है, एन की जितनी भी वैल्यू आई है, जो छह आई है, यही आपका क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स से आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स है यही, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन में क्या होता है,
आपका पार्शियल रिबॉयलर यूज हुआ हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, पार्शियल रिबॉयलर यूज हुआ हो एंड टोटल कंडेंसर यूज हुआ हो, ठीक है। टोटल कंडेंसर यूज हुआ हो और पार्शियल रिबॉयलर यूज हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब पार्शियल रिबॉयलर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिबॉयलर होता है कुछ लिक्विड को वेपराइज करता है, कुछ लिक्विड्स को लिक्विड फॉर्म में रखता है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड एंड वेपर का जो फेज, लिक्विड एंड वेपर क्या होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिबॉयलर होता है ये क्या होता है, एक प्लेट की तरह काम करने लगता है, एक स्टेज की तरह काम करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेपरेशन होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये पार्शियल रिबॉयलर होता है तो यहाँ पे भी एक प्लेट की तरह काम करने लगता है, यानी कि एक स्टेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें जितनी भी एन की वैल्यू मिली, जितनी भी थ्योरेटिकल प्लेट्स आपको मिली है, उनमें से आप क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, एन माइनस वन कर देंगे, ठीक है। एन माइनस वन करेंगे तो, एन माइनस वन करेंगे तो सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। ये जो फाइव आपको मिला नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन कॉलम, कॉलम का आपको मिला, या आप नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। कॉलम में नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स रिक्वायर्ड इन कॉलम, ठीक है, या बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स रिक्वायर्ड इन कॉलम, कॉलम में जितने रिक्वायरमेंट है प्लेट्स की वो आपको मिली, ठीक है। एंड जो थर्ड कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन क्या होता है कि आपका पार्शियल रिबॉयलर भी हो एंड पार्शियल कंडेंसर भी हो, ठीक है, पार्शियल कंडेंसर भी हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्शियल रिबॉयलर तो आपका एक प्लेट की तरह, एक स्टेज की तरह काम कर ही रहा है, और जब पार्शियल कंडेंसर भी यूज करेंगे तो पार्शियल कंडेंसर भी क्या करता है, ये भी एक स्टेज की तरह काम करने लगता है, यहाँ पे भी सेपरेशन होने लगता है, ठीक है। यहाँ लिक्विड एंड वेपर दोनों फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलने लगता है, ठीक है। तो ये भी जब एक स्टेज की तरह काम करने लगता है तो उस कंडीशन में हम एन में से दो को घटाते हैं, जब एन में से दो घटाएंगे तो छह में से दो घटाएंगे तो उस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे, ठीक है। आपको एक चीज बता दें, बुक में क्या होता है, आपको यही कंडीशन ज्यादा दी रहती है, जितना भी आपको बुक में देता है कि एन की वैल्यू जितना आई उसमें से आप एक घटा दीजिए। तो देखिए होता क्या है कि सबसे ज्यादा कंडीशन, मोस्ट कंडीशन में क्या होता है कि यही कंडीशन यूज होती है, पार्शियल रिबॉयलर यूज होता है एंड टोटल कंडेंसर यूज होता है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या बोलता है, एन में से वन घटा दे, लेकिन अगर आपकी कंडीशन चेंज हो तो आपका नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा कि कैसे आप किसी डिस्लेशन कॉलम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा ये प्रोसीजर, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।